धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भवात्माओं, अजीर कुंद कुंद स्वामी द्वारा हम सभी को अपना अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए वही शिक्षा दी जा रही थी, क्योंकि ग्यारहवीं गाथा में कुंद कुंद स्वामी ने अपने श्रावक और साधु के दो मुख्य कर्तव्य कहे थे। तो अपना वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी ने उन आचार्य महाराज द्वारा दिए संदेश को सुना। बारहवीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद महाराज रेण सार ग्रंथ के माध्यम से हम सभी को बता रहे थे कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी दृष्टि अपने अंदर होती है, बाहर की तरफ नहीं होती। आचार्य महाराज कह रहे हैं, ज्येष्ठ बनने की कोशिश मत करो, श्रेष्ठ बनने की कोशिश करो, क्योंकि हमने कल बताया था भवात्माओं, आज के समय में ज्येष्ठ बनने की होड़ लगी हुई है, चाहे वह गृहस्थ मार्ग हो और चाहे वह साधु मार्ग हो। मात्र बड़े बनने की होड़ में मैं बड़ा रहूं, मैं बड़ा हो जाऊं, मेरा राज बने, अथवा मेरे परिवार में सब लोग मेरी बात माने, सास कहती मैं बड़ी और बहू कहती मैं बड़ी, लेकिन कौन बड़ा? बंधु आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बड़ा बनना है तो अपने गुणों से बड़े बनो। क्या ऊंचाइयों पर पहुंच जाने से तुम ऊंचे हो जाओगे? क्या तुम मंजिल में खड़े हो गए तो क्या तुम बड़े कहलाओगे? क्या कौआ अगर शिखर में बैठ जाता है तो क्या वह कौआ भगवान बन जाता? क्या नहीं? इसी प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे थे कि अगर श्रेष्ठ बनना है तो पहले बाहर की दृष्टि बंद करो। जो आप बाहर में लगे हुए हो कि यह मेरा यह मेरा यह मेरा, यही तो तुम्हारा जो है नहीं है उसमें आपकी दृष्टि है, यही तो बहिरात्मा है। इसी बहिरात्मा को उस लोभ के कारण से उस पतंगे के समान दृष्टि हो करके और एक दिन अपने जीवन को समाप्त कर देता है। आचार्य महाराज कहते इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए भवात्माओं, जो हमारा नहीं है उसके ऊपर दृष्टि कम रखो, उस जो हमारा है उसकी ओर देखो। हमने कितनी बार आपको बता चुके थे कि वह व्यक्ति जब उसकी पत्नी पीहर चल कहीं बिना बताए भाग जाती है, वह रिपोर्ट लिखाने जाता है कि मेरी पत्नी बिना बताए मेरे यहाँ से भाग गई है, तो वह थानेदार पूछता है, पहले बताओ साहब, जब आपकी बीवी घर छोड़ करके आधी रात को भाग करके गई है तो आप कौन से कलर के कौन से रंग के कपड़े पहन करके गई है? तो वह क्या कहता है कि मुझे ये तो पता नहीं साहब, लेकिन इतना बता सकता हूँ, जब वह घर से गई है तो मेरे घर में एक कुत्ता था, उस कुत्ते को साथ में लेकर के गई है। वह कुत्ते का कलर सफेद कलर का है, झब्बर उसके बाल है, उसके गले में लाल कलर का पट्टा बंधा हुआ है, उस कुत्ते का नाम मोती है। वह कहता है, रुकिए साहब, ध्यान रखिए, हे मानव, मैं उस कुत्ते का परिचय नहीं पूछ रहा हूँ, परिचय में तुम्हारी पत्नी का पूछ रहा हूँ। तो पत्नी का परिचय तो है नहीं है, लेकिन कुत्ते का परिचय दे रहा है कि उसका नाम मोती है, उसके गले में लाल कलर का पट्टा बंधा हुआ है, झब्बर वाल है, सफेद कलर का है। ओहो बंधुओं, अपने आप को थोड़ा सा चिंतन करना है, कहीं यही स्थिति तो हमारी नहीं चल रही है। यह हमारा है, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है, एक कारखाना है, वही स्थिति तो है। तुमसे पूछो, तुम कौन हो?
ये भी मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। अभी आपसे पूछा जाए आप कौन हो तो आप कहोगे कि मैं तो अपना नाम लेकर के बोल दोगे कि मैं महावीर पाटनी हूं। लेकिन बंधु तुम महावीर पाटनी नहीं हो। कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, इससे हम परे हैं। वही स्थिति, वह व्यक्ति एक बार टिकट सफर कर रहा था और जैसे ही टिकट बाबू आया बोला भाई साहब टिकट दीजिए। जैसे ही वह टिकट बाबू को देखता है तो तुरंत सबसे पहले जेब में हाथ डालता है, शर्ट की जेब में हाथ डाला, देखा टिकट नहीं मिला, फिर देखा पैंट के जेब में देखता है टिकट नहीं मिला, फिर देखता है तो कहते हैं जो बोरी बिस्तर थे सारे कपड़े अपड़े सूट के सब कुछ देख लेता है लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। तो वही कहता है, वही टिकट बाबू था, वही कहता है कि भाई साहब रहने दीजिए, आप बड़े नेक इंसान दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे मानव समझ में आ रहे हैं, आपको देख करके लगता है कि आप विदाउट टिकट सफर नहीं कर सकते हो, आप विदाउट टिकट सफर नहीं कर सकते हो, आप एक नेक इंसान समझ में आ रहे हो। तो वह उसको झुंझला करके कहता है अरे भाई साहब बाबूजी विदाउट टिकट की चिंता कौन करता है, मैं तो टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूं कि आखिर मुझे जाना कहां। वही स्थिति है कि आखिर मुझे जाना कहां है, क्यों मैंने जन्म लिया मानस पर्याय में, हम क्यों आए हैं, क्यों हमने इस जैन कुल में, भगवान ने कितना पूर्व का पुण्य किया था बंधु, कितना करोड़ों करोड़ों वर्षों का पुण्य एकत्रित हुआ होगा हे जीव, जब तुमको ये मानव पर्याय मिली है। ये मानव पर्याय ऐसे नहीं मिलती, एकत्रित पुण्य किया होगा और एक भाव का नहीं, भाव भाव का पुण्य एकत्रित किया होगा तब तुमको जा करके ये मानव पर्याय मिल गई और पुण्य का तीव्रोदय के उनके साथ साथ तुम्हें बंधु कहते हैं क्या मिल गया, जैन कुल मिल गया। जैन कुल हर किसी को नहीं मिलता है। पुण्यशाली हो अपने आप को कभी दुर्भाग्यशाली मत कहना, कहना मैं बहुत भले ही गरीब स्थिति में सूखी रोटी खा लेना, लेकिन इससे बढ़कर के कौन पुण्य हो सकता है कि जो हमें जैन कुल में जन्म मिला और उसके साथ साथ उन नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, जिनकी प्रतिमा को देख करके मन गदगद हो जाता है। ऐसा लगता है सब कुछ यही है, दुनिया में कुछ भी नहीं है, लगता ना प्रभा जी ऐसा अरे अच्छे से कहो ना, लगता है सुधा जी ऐसे लगता, बिल्कुल ऐसे लगता। तो ऐसे ही जब भगवान को दर्शन कर रहे हो बंधु तो ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य, और भगवान की भक्ति करते करते इतना पुण्य का उदय आया कि तुम्हारे सामने साधु विराजमान है। अब तुमको वो परिचय करा रहे हैं कि हे जीव तुम अपने आप को देखो, कहां भटकते रहोगे, इन गुरुओं का उपकार भाव भाव में भी हम नहीं चुका सकते क्योंकि भगवान तो मौन बैठे हैं, भगवान क्या हमें मोक्ष का रास्ता बताएंगे, रास्ता बताने वाले कौन होते हैं, गुरु हुआ कर। तो गुरु ने हमको यह रायण शास्त्र ग्रंथ इतना बड़ा ग्रंथ रच करके उन कुंद कुंद स्वामी महाराज को बड़ा उपकार की हमें मार्ग बता रहे हैं। हम भूल चुके हैं अपने आप को, हम दुनिया को नाम से परिचय करा देते हैं लेकिन तुम कौन हो पता नहीं। कोई मुझसे पूछता है तुम कहां से आए हो तो मैं तो सीधे कहती हूं निगोद से आए हैं।
कौन से नगर में नगर नहीं, ऐसे कितने कौन मुझे स्वयं पता नहीं कि कौन कौन ऐसे, एक भी ऐसा प्रदेश नहीं, एक भी ऐसा देश नहीं, एक भी ऐसा स्थान नहीं जहां मैं गया ना हूं। यह जीव कभी गया नहीं क्या? सब जगह गया है। कहां से आए हो? बस निगोद से आए हैं। और कहां जाना है ओम जी? तुमने भी ऐसे हाथ कर दिया। कहां जाना है? मोक्ष जाना है। यानी निगोद से आए हैं, मोक्ष जाना है, बस यही लक्ष्य होना चाहिए बंदो। बाहर के तो बाहर के स्टेशन हैं, ये हमारे साथी नहीं है। ट्रेन में जाते हो, घूमने जाते हो, तो ट्रेन में काफी लोग बाहर के भी मिल जाया करते हैं, तो वे आपके क्या हैं? अरुण जी संयोगी हैं, साथी नहीं हो सकते। साथी हैं क्या? नहीं। तो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को अगर आप कहोगे तो संयोगी है, ये साथी नहीं हो सकते हैं, इनको कभी रहो ये नहीं कहते, इनके बीच में मत रहो। रहना है, अब संयम को नहीं धारण कर सकते हो तो रहो, लेकिन हे जीव मालकियत बना करके जी। मालकियत बना करके जियोगे, आपको ही रोना पड़ेगा। इस शरीर की इतनी देखभाल कर रहे हो, शरीर में रोग हो गया, आप लगे हो शरीर की सेवा में, लगे हो शरीर की सेवा, ये शरीर मेरा है, इसे कौन कहता है शरीर तुम्हारा है? कौन कह रहा है कि शरीर तुम्हारा है? कौन कह रहा है महल मेरा है? मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो लेकर के आए थे वो भी छोड़ करके जाना है। हमने आपसे बताया था, लोग कहते हैं ना कुछ लेकर के आए थे ना कुछ लेकर के जाना है, और मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है, लेकिन आए थे तब लेकर के आए थे। इस औदारिक शरीर के साथ जन्म हुआ था, इस औदारिक शरीर के साथ हमने जन्म लिया था, इस शरीर को लेकर के हम इस पर धरा पर आए थे। लेकिन हे जीव, रेण सार ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, हे मानव जब जाओगे तो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, क्यों तुम शरीर को अपना मानते हो? अपना मानोगे आंसू बहाना पड़ेगा। मालकियत बना करके जियोगे दुख होगा। एक माँ घर की साफ सफाई करती है, बहुत अच्छे से साफ सफाई करती है। अब दीपावली आ रही है तो वैसे ही सबकी साफ सफाइयां चलने लगी हैं, बहुत अच्छे से रंग रोशन होने लगा है। और वही बेटा तुमने, हे माँ, उसने तुमने अपने घर को साफ किया, उस कलाई से पोता, कलर से पोता, और वही बेटा आकर के कोई खुदेड़ने लगे अथवा दीवार को काली करने लगे तो माँ एक थप्पड़ देती है कि मैं इतना अच्छे से साफ सफाई कर रही हूं और तुम दीवार को गंदा करते हो। तुमने अच्छे बिस्तर लगाए, बहुत अच्छा चद्दर लगाया और बच्चा उसमें उचकने लगे तो माँ हाथ पकड़ करके नीचे उतार देती है कि चलो उतरो। सफाई करते हैं और चीज बर्बाद करते हो, क्यों? क्यों आपने मारा? क्योंकि आप उस चीज को अपना समझते हो। समझते कि नहीं? अरे बोलो ना, क्यों ऐसे बैठे हो? हाँ बोलो कि समझते हैं। अपना समझ रहे, मेरा घर है, ये मेरी दीवार खराब नहीं होना चाहिए, ये मेरा बिस्तर है, खराब नहीं होना चाहिए। और वही तुम कहीं घूमने जाते हो, सफर करने जाते हो, अच्छे बड़ी बड़ी होटलों में रुकते हो, वीआईपी होटलों में रुके हो, और वहां पर भी किराए से रुके हो, और बंधुओं तुम्हारे घर में क्या व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था वहां की, वहां भी बेटा तुम्हारा पेंसिल से गोद रहा है, वहां पर तुम्हारा हाथ नहीं उठेगा। वहां ये नहीं कहोगे कि बेटा ये मेरा इसको गंदा मत करो, वो बेटा उचक रहा है चद्दर बिस्तर में, चाय भी गिरा दी तो तुम उसको थप्पड़ मारने वाले नहीं हो। क्यों नहीं मारोगे?
अरे बता दो, हमको तो पता नहीं है। विनीता कह रही, क्या कह रही विनीता? मेरा नहीं है। तो बंधु कहने का तात्पर्य, जहां मेरा होता है वही तो ये मोय, जहां मोयने कर्म होता है ये मेरा है। यही तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, अभी आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, आप अभी बहिरात्मा हो। जब तक आप घर को, मकान को, महल को, पत्नी को, बच्चों को, पैसे को, रुपयों को, आदि को, कुटुंब परिवार, जो भी धन, बगीचा है, महल बगीचा जो भी है, जिस जब तक तुम अपना मानोगे तब तक तुम बहिरात्मा हो। अब हमें ज्यादा परिचय नहीं कराना, हमने तो आपको आचार्य महाराज द्वारा दी गई शिक्षा को आपके तक पहुंचा दिया है। अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे बनना है। इसलिए जो कहता है नहीं, शरीर के दुख होने पर, शरीर में रोग है तो आंसू बहाते हैं कि अरे मुझे रोग हो गया, मुझे रोग हो गया, मुझे रोग हो गया। परिचय करना कि मैं कौन हूं। सामायिक पाठ में अमित गति आचार्य महाराज भी लिखते हैं, सुखी दुखी बेरिण बंधु वर्गे, योगी वियोगे भविने बनेवा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धि, समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। कि दुखे सुखे जो बहिरात्मा जीव होता है वह कहता है, दुखी होने पर वह दुखी हो जाता है, बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में किसी भी प्रकार के कष्ट आ गए, दुख आ गए, संकट आ गए तो उसमें दुखी मान दुखी हो जाता है। मेरे जैसा दुखी तो कोई है ही नहीं। हे जीव क्यों दुखी होते हो? जो अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, उसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी।